इस वक्त आप देख रहे हैं जयजन की बिहारी खास काउंट फोटो में हूँ आपके साथ। पल्लवी सती की मौजूदगी कालूसाई मंदिर के ठीक सामने मौजूद है और जिस प्रकार से यहाँ पे जाम आपको देखने को मिल रहा होगा और यही वो जाम है इसके चलते मंगलपड़ाव से लेकर रोडवेज तक जो चौड़ीकरण का जो मामला है वो प्रकाश में आया, उसके बाद चिन्हीकरण किया गया और जिसके जद में जो मंदिर है वो भी आया इसको शिफ्ट किए जाने को लेकर काफ़ी चर्चाओं में ये मुद्दा बार बार उठा। जब मंदिर प्रशासन की ओर से मना किया गया, विरोध दर्ज किया गया, तमाम रिपोर्टें हमने आपको दिखाई लेकिन आखिरकार सहमति दर्ज होने के बाद आज प्रशासन की मौजूदगी में यहाँ पे भूमि पूजन है वो किया जा रहा है और मेरे ठीक सामने तस्वीरें देख सकते हैं। इस प्रकार से मंदिर प्रशासन की ओर से तैयारियाँ हैं वो संपूर्ण कर ली गई है और अभी से कुछ देर बाद यहाँ पे भूमि पूजन है वो किया जाएगा, उसकी तस्वीरें भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और फिलहाल इससे पहले इस पोर्ट से पहले आपने संतों की बातचीत सुनी है और आज यहाँ पे इस प्रकार से शिफ्टिंग के तहत भूमि पूजन का कार्य है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में जिसके कारण इसको शिफ्ट किया जा रहा है क्या वो वाकई में कारगर साबित होगा, क्योंकि जो एरिया है काफ़ी व्यस्त रहता है। तस्वीरें देखिए, इस प्रकार का जाम यहाँ पे अमूमन लगता ही रहता है। नैनीताल कोई मार्ग जाता है, तमाम बाज़ारों का रास्ता यहाँ से गुजरता है, सदर बाज़ार, कालूशाही मार्केट, तमाम बाज़ारों का रास्ता यहाँ से गुजरता है। ऐसे में प्रशासन का ये फैसला कितना कारगर साबित होगा इसके संबंध में प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत करते हैं। और वहीं जिस प्रकार से भूमि पूजन किया जा रहा है, बरेली से बाबा भी मौके पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं क्या कुछ आज कार्यक्रम है, पूरा आपको सिरे से दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ श्री महंत कालूगिरी जी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं जिस प्रकार से यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है, मंदिर को थोड़ा पीछे लिया जा रहा है और क्या क्या आज यहाँ पे जो विधिधान के साथ होने वाला है सब इसने जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, जिस प्रकार से मंदिर को थोड़ा सा पीछे लिया जा रहा है आज क्या क्या यहाँ पे विधिविधान से किया जाएगा भूमि पूजन के संबंध में? आज भूमि पूजन होगी भगवान की, ये उनका कब स्थान बन जाएगा यहाँ पर भगवान के, तो सारे ये देवी देवता जो है हमारे फिर उनकी प्रधान परिश्रा होके फिर यहाँ स्थापना हो जाएगी जी। यहाँ कर रहे हैं स्थापना मंदिर के बगल में आपकी ये जगह यहाँ पे टेंट लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जिस प्रकार से पहले कहने के विरोध था फिर आपने सहमति दर्ज की है? हाँ जी, हाँ जी। अभी अभी जिस प्रकार से यातायात भी काफी सुलभ हो जाएगा? हाँ जी, आपका रास्ता भी सबको सुलभ हो जाएगा और ये सभी के जा रहे हैं हरिद्वार में, हर जगह सभी के जा रहे हैं, तो फिर हमने कहा अकेले तो लड़के अच्छा नहीं होगा, समाज में सभी के जा रहे हैं। अब ये सरकार के योजना है कह रहे हैं केंद्र की वहाँ से, तो हमने कहा अब सन्यासी लोग है, लड़ना भी पाप है, इसीलिए जगत के हित के लिए जगह मिल रही है, रोड चौड़ी हो रही है, तो हमने कहा ये अपने लिए तो कोई बिल्डिंग बना नहीं रहा है लोग, हाँ अपने लिए कोई बना रहा होता वो गलत होता है जी, ये रोड बन रही है तो सभी के लिए है। आज का केवल भूमि पूजन होना है और मूर्तियों की पूजन होना है आपका, और ये फिर आपको मंदिर की जगह मिल जाएगी, ये मंदिर का निर्माण हो जाएगा चालू, निर्माण चालू हो जाएगा तो फिर एक एक एक, एक लैंटर पर जाएगा एक तरफ, तो फिर मूर्ति स्थापना हो जाएगी भगवान की। जिस प्रकार से कालू जो सिद्ध मंदिर है इसको शिफ्ट किया जाना, हालांकि पहले विरोध था फिर बाद में सहमति दर्ज हुई और आज भूमि पूजन किया जा रहा है। प्रशासन से अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, अभी हमारे साथ सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी जी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या क्या आज यहाँ पे होना है और जिस प्रकार से भूमि पूजन किया जा रहा है, सहमति दर्ज है और किस प्रकार से पूरा जो प्रकरण आज यहाँ पे घटित होगा। नमस्कार सर, जिस प्रकार से भूमि पूजन किया जा रहा है, पहले विरोध था फिर सहमति दर्ज हुई, आज क्या कुछ हो रहा है? देखिए, हमारा मंगल पड़ाव से रोडवेज का जो स्ट्रेच है इसके वाइडनिंग में ये प्रख्यात धार्मिक स्थल है, ये भी इस परिधि में 12 मीटर में स्ट्रक्चर का काफ़ी भाग इसमें आ रहा था, उसी के देखते हुए विगत 4-5 महीने से हम लोग लगातार मंदिर प्रशासन और उनके संतों के संपर्क में थे और उनके द्वारा इसको बृहद जनहित में और लोक कल्याण को देखते हुए इसमें अपनी सहमति व्यक्त की गई है और विचार विमर्श के उपरांत उनके द्वारा नए मंदिर के निर्माण के लिए जो प्रशासन द्वारा बगल में ही भूमि उपलब्ध कराई दी गई है उसी भूमि पर नए मंदिर के निर्माण का कार्य आज उनके द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। हम लोगों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और आज यहाँ पर भूमि पूजन विधि विधान से उनके संतों की और महंत जी की उपस्थिति में हो रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि 1-2 महीने में जब मंदिर बन के तैयार हो जाएगा तो जो हमारे पुराने मंदिर में जितनी भी मूर्तियां हैं उनको विधि विधान पूर्वक यहाँ पर स्थापित कर दिया जाएगा और जो हमारा रोड वाइंडिंग का काम है व्यापक जनहित में लोकहित में वो भी पूरा होगा। जिस प्रकार से इसको शिफ्ट किया जाना है, एक तो एक बात थी कि जाम काफ़ी लगता है इस मार्ग पर, एक बहुत बड़ी ये कारण था, क्या लगता है कि ये कितना कारगर होगा क्योंकि काफ़ी वाहनों का दबाव ये है, नैनीताल कोई रोड जाती है, ऐसे में कोई और उपाय है कि ये कारगर होगा साबित ट्रैफिक को थोड़ा सा कंट्रोल करने में हल्द्वानी की? जी, ये आपने बहुत अच्छी इश्यू रेज किया है क्योंकि ये हमारा जो ओल्ड हल्द्वानी अगर हमारा ओरिजिनली यही है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सदर बाज़ार है, शारदा मार्केट है, पुरानी हल्द्वानी का जो कंजेशन है वो सारा यही है। दूसरा जो कालाडुंगी रोड और नैनीताल बरेली रोड है ये यहाँ पर एक दूसरे को
कनेक्ट है। बाराडूंगी रोड पर इधर सेटलमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, तो जो मध्यम वर्ग निम्न वर्ग के लोग हैं वो अपनी खरीदारी के लिए, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहीं आते हैं, तो ये इसलिए भी। और यहाँ पर रोड की जो विड्थ है वो पूरे इस NH-87 में मैं कहूँगा सबसे कम है, इस वजह से भी ये बॉटलनेक बना हुआ था। इसीलिए यहाँ पर वाइडनिंग का मुझे लगता है काफ़ी फ़ायदा होगा। और हम लोगों का ये भी प्लान है कि हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें ये पूरा स्ट्रेच जब खुल जाएगा तो जो सड़क क्रॉस करने वाले लोग हैं उनकी सुविधा के लिए और ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए फुट ओवर ब्रिज या अंडरपास जो भी इसमें सुटेबल होगा उस पर भी हम लोग पैरेलल काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से मैंने वो जानकारी दी थी कि अभी से कुछ देर बाद भूमि पूजन का कार्य वो शुरू कर दिया जाएगा, मेरे ठीक सामने भूमि पूजन का कार्य चल रहा है, कैमरा पर्सन को तस्वीरें दिखाई किस प्रकार से भूमि पूजन का जो कार्य है और वो किया जा रहा है। तमाम लोगों की मौजूदगी में विधान से जो पूजा पाठ है वो की जा रही है और काफ़ी लंबा इंतजार रहा है। पहले विरोध किया गया, कहने के सर चौड़ने के सब में मंदिर आया, विरोध किया गया, बाद में सहमति दर्ज होने के बाद अपूर्ण सहमति से प्रशासन और मंदिर प्रशासन की सहमति के बाद आज भूमि पूजन का कार्य है वो किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी, SDM पारितोष वर्मा, तो वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट समेत पूर्व मेयर जोगेंद्र तोला जी मौजूद हैं, तो वहीं बरेली से आए महाराज जी भी मौजूद हैं, महाराज कालू जी भी मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में जो भूमि पूजन है वो शुरू कर दिया गया है। सुबह से ही तैयारियाँ हैं वो शुरू कर दी गई थी, सुबह से इंतज़ार किया जा रहा था। फिलहाल इनके अलावा भी तमाम जो साधु संत हैं मौके पर मौजूद हैं और पूरी विधि विधान के साथ आज कालू शाही मंदिर का जो शिफ्टी का कार्य वो शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं भूमि पूजन इसी शुरुआत है और नींव डल चुकी है, तो वहीं ऐसे में ये भी जानकारी आ रही है कि 2 महीने के भीतर जो नया मंदिर है वो बनकर भी तैयार हो जाएगा। आज भूमि पूजन हो चुका है, तस्वीरें आप देखिए, इत्मीनान से काफ़ी लोग मौजूद हैं, साधु संत बाहर से आए हुए हैं, सभी की मौजूदगी में भूमि पूजन है वो किया जा रहा है। प्रकाश साहब ने तस्वीरें देखी और तमाम लोगों से हमने बातचीत भी की है, आपको सुनाई है बातचीत किस प्रकार से वाजपेयी का साफ तौर पर कहना है कि 2 महीने के भीतर जो मंदिर है वो बन के तैयार हो जाएगा। इसके अलावा महाराज बाबा कालू जी की भी आपने बात सुनी, उन्होंने भी सहमति दर्ज की है और सहमति के चलते ही पूर्ण सहमति से आज यहाँ पर भूमि पूजन का कार्य शुरू कर दिया गया है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, कुछ अपडेट आएगा ज़रूर आपको देंगे। मैं अपनी सहयोगी संगीता के साथ पल्लवी जयजानू सल्तवानी, नमस्कार। We'll be right back.